एंड वेलकम टू अवर चैनल द फैमिली वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो दोपहर हो गई है और मैं अपनी बेटी को लेने जा रही हूँ नीचे, और उसके कुछ कपड़े भी देने हैं सिलने के लिए। ऐसा मुझे उसका लहंगा भी बनवाना है, बट मैं अभी उसका कपड़ा लेके आने वाली हूँ लहंगे का। टिल देन कुछ और भी सिलवाना है उसका, तो चलते हैं बुटीक। हाय, आप कहाँ जा रहे हो? दीदी को लेने है ना, कैटी लेके जानी है। ओ ओ, तो मैडम को कहाँ जाना है? ये देखो, ये मैडम जा रही है। कहाँ जा रहे हो जानवी आप? स्कूल। स्कूल बैग दीवानशी का टांग के मैडम स्कूल जा रही है। देखो जरा, आप दीदी के बैग से क्या कर रहे हो? मैडम को जाना है स्कूल, वो भी दीवानशी का बैग टांग के। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ाई कर रहे हो? चलो करो, होमवर्क स्टार्ट करो अपना। कौन कौन लेके जाता है स्कूल? हाँ, कौन लेके जाता है? वो बॉटल है। वो बॉटल है? वाओ जानी, कॉम बॉटल है। कहाँ जा रहे हो आप? कॉम करके जाते हैं, स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाया जा रहा है। ऐसे कॉम करके जा रहे हो आप स्कूल? वेरी गुड, वेरी गुड। बाय। कैटी भी जा रही है आपके साथ? हाँ। कैटी को कहीं तो छोड़ दो ना, घर पे छोड़ दो कैटी को। यहाँ बच्चों की फुल ऑन मस्ती चल रही है। क्या कर रहे हो, क्या खेल रहे हो तुम लोग? शादी शादी। तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए हो जो शादी शादी खेल रहे हो? कैसे खेलते हैं ये शादी शादी? जानी क्या खेल रहे हो? चिटंकी क्या खेल रहे हो आप? शादी शादी। ए बी सी डी तो सीख लो पहले। ए बी सी डी तो आती नहीं हमें। ओ माय गॉड, ये टिड्डे इतने। हे एवरीवन, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं कल इतना व्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो आज कंटिन्यू करते हैं हम व्लॉग को। और ये मैडम दोनों गेम्स खेल रहे हैं, और मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो हम गेम्स खेल रहे हैं पॉकेट पॉकेट में। और ये छोटा पैकेट तो बहुत ही शैतान हो चुका है हमारा। ये क्या कर रहे हो आप? मैं दिखाती हूँ ये क्या कर रही है आपको। क्या खेल रहे हो तुम दोनों? ये क्या फैला रखा है, क्या फैला रखा है ये? बाल कहाँ जा रहे हैं? स्कूल से आके अब गेम्स। एक ये देखो शुरू हो जाएगी है ना। ये देखो दोनों ने अलग अलग गेम ले लिया, फिर भी फाइट करना है। एक गेम चाहिए। क्या कर रहे हो ये आप दोनों? इसको भी कलरिंग करनी है, आपको भी कलरिंग करनी है ना? क्या कर रहे हो दोनों कलरिंग में? अरे वाह दीवांशी, वेरी नाइस। मैंने ना इसको ड्रॉइंग कराई है, मैंने इसको क्लिप लगाई है, इस कार्डबोर्ड की क्लिप नहीं आई, मैंने वो लेके वो ऐसे क्लिप समेट के ऐसे लगाई है। पहले ये गेम जो फैलाया है मैं समेटूंगी, पहले इसको समेटो, संभालो पहले, फिर कलरिंग स्टार्ट करना। नो नो नो, दिस इज नॉट फेयर। संभालते हैं बच्चा, पहले गेम्स को संभालो अपने। आई विल हेल्प यू, उसके बाद आप करना। कौन से पेरेंट्स है जो पूरे दिन क्लटर्स को उठाते रहते हैं? क्लटर्स क्या, ये बच्चे फैलाएंगे और हम लोग उठाएंगे है ना?
ये पूरे दिन ऐसे करते हैं और मैं पूरे दिन यही काम करती हूँ। ये लोग फैलाते हैं और मैं उठाती हूँ टॉयज को। हम नहीं उठाएंगे ना? नहीं, नहीं। क्या देखूं? बाय। आए कदो आए। बाय। ये जानवी ने करा है? ये जानवी ने करा है? सबको आए कदो आए। फ्लाइंग किच दे दो सबको। फ्लाइंग किच को आजो आजो। अच्छा आप दादी को क्या बोलोगे यहाँ से वीडियो से? दादी मैं आ रही हूँ, नानी मैं आ रही हूँ। किसको बोलोगे? दादी। दादी बोलो। दादी, दादी मैं आ रही हूँ। आई हूँ। नानी, नानी मैं आ रही हूँ। मामू, मैं आ रही हूँ। आई हूँ। कहाँ जाओगे आप? कहाँ जाना है आपने? मामू पास। ये मामू की लाडो है। लाडो है ना? मामू की लाडो है। सो इट्स इवनिंग टाइम। मैं बना रही हूँ कावा। इसमें मैंने सिनेमन सीड डाली है, सौंफ डाली है, अदरक, इलायची, जीरा, अजवाइन, बादाम और सम केसर अंश। और ये हम अच्छे से उबालेंगे। पहले पानी को एक उबाला दे देंगे और उसके बाद 30 मिनट्स के लिए इस पानी को उबालेंगे। और आप देखना कितना अच्छा अरोमा आता है इसमें। बहुत अच्छा टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा था। हनी और लेमन डालेंगे इसके अंदर। ये चॉइस है आपकी, डालनी ना डालना, बट इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत टेस्टी। बिलीव मी आप ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनता है ये। और यहाँ पे थोड़ा सा जो केसर के स्टैंड्स हैं और एलमंड्स डालेंगे टॉप अप के लिए और फ्लेवर के लिए। बहुत टेस्टी बनता है। बहुत अच्छी रेसिपी है, वेट लॉस रेसिपी है ये। आप कोई भी वेट लॉस जर्नी में है या नॉर्मली, आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस प्लीज आप लोग ब्लॉग को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो और वॉच कर रहे हो। आपका सपोर्ट बहुत नीडेड है और शेयर करिए आगे। तो शाम का टाइम हो गया और मैं बना रही हूँ गाजर मटर आलू और मूंग धुली दाल। और डिनर का टाइम है और साथ साथ मैं पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को, दिवांशी को। उसको आज कम होमवर्क मिला था तो मैंने कहा चलो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लो। और ये मैडम देखो क्या कर रही है। आप क्या कर रहे हो? वो लगी हुई है अपना बिल्ली के साथ खेलने के लिए और उसको तंग करने के लिए। दिवांशी को दिखाती हूँ भाई क्या कर रहे हैं दोनों। देखना क्या कैसे पढ़ते हैं ये दिवांशी। चेयर टेबल चेयर यहाँ रख दी है और खुद आप कार पे, वो छोटी आपको घुमाए और आप पढ़ाई करो, है ना? उठो यहाँ से और चेयर टेबल पे बैठो। चलो दिवांशी वेरी बैड बेटा, उठो उठो जल्दी उठो। मजा आ रहा है आपको यहाँ पे पढ़ाई करते हुए? ऐसे कौन पढ़ाई करता है? वो देखो आगे वो घुमा रही और ये आराम से पढ़ रही है। यहाँ मैं बनाई थी दाल तो सोचा आपसे ये टिप शेयर करी जाए। इसमें ये जो झाग होती है वो आप निकाल देना प्लीज, क्योंकि ये अच्छी नहीं होती है और यूरिक एसिड बहुत बनता है इससे। बिल्कुल भी ये मूंग धुली दाल बना रही हूँ, कोई भी दाल हो आप प्लीज उसको निकालो। ये देखिए सारे झाग निकल, मैंने झाग निकाल दिया। यहाँ मैं प्रिपेयर कर रही हूँ गाजर मटर आलू, लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी। यहाँ मैंने कट करके रख लिया, बस चॉप करेंगे और फिर गाजर मटर आलू बनाएंगे। यहाँ मैंने टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज का मसाला बना लिया है हरी मिर्च डाल के। अब हम दोनों के लिए एक ही मसाला यूज कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा मसाला भून गया है और मैंने दाल खोल रखी है। मैंने दाल में डाल दूंगी आधा मसाला।
ये हमारी दाल के लिए हो गया, ये हमारी गाजर मटर के लिए हो गया। यहाँ मैंने गाजर मटर कर लिया, गाजर मटर आलू, ये देखो हमारी गाजर मटर बेस्ट सब्जी है विंटर के लिए ये। और यहाँ हमारी दाल बन के रेडी है, यहाँ हमारे गाजर मटर बन गए, थोड़े ढक के रखेंगे, पकने देंगे इनको। चलो तुम आराम कर लो, अब हम लगाते हैं थाली, रोटी, आलू गाजर मटर, दाल यामी यामी और सम सैलेड। ये हमारी थाली रेडी। तो हम आज दोनों जा रहे हैं नाइट आउट मारने, रात को निकले हैं हम लोग कुछ काम से 10 मिनट्स के लिए नाइट आउट, क्योंकि हमने बच्चों को छोड़ा है कहीं पर, उसकी फ्रेंड के यहाँ पे शिवन ने आती है, तो आप सबको पता होगा, तो उसके घर छोड़ा हुआ है और हम लोग थोड़ा सा सारे बच्चों को सारे मतलब क्या दो ही है हमारे तो हम दोनों बच्चों को छोड़ के आए हैं कि उन्होंने कहा हम खेल रहे हैं आप दोनों जाओ, तो वो दोनों नहीं आया, तो हमने कहा छोटा मोटा काम है थोड़ा सा हमें रात को, तो वो कराते हैं। और जनाब को मैं पटाखे आई हूँ कि मुझे ना चॉकलेट पान खिला दो। चॉकलेट पान खिला रहे हो पक्का? नींद आ रही थी इनको बेचारे को, थका हुआ हूँ, मैंने कहा स्क्रीन कार्ड तो लगवाना है फोन का, वो भी काम कराते हैं, पान भी खाए आते हैं, एक दो काम और है वो भी कराते हैं, लेके चलते हैं बेचारे पति। हम लोग यहाँ पे आए थे केंद्र विहार में, ये मार्केट है और ऐसे लग रहा है कोई रात नहीं है। रात के कितने बजे? 10 o'clock हो रहे होंगे ना? हाँ 9:30-10 हो रहे हैं। इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी थी पान की, चॉकलेट पान, रोस्टेड आलमंड पान, मीठा पान, बनारसी पान, कोलकाता स्ट्रॉबेरी, मैंगो, ब्लैक रंग, बहुत वैरायटी थी। तो हमने रोस्टेड आलमंड लिया था, चॉकलेट पान और बनारसी लिया था मीठा पान। तो ऐसा रहा हमारा पूरा दिन, आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू